बाप रे, यहाँ पर देखो बाघ के पंजे भी है दोस्तों। मैंने बाघ का पंजा देखा चाची। कहाँ दिखा था? मेरे पास थोड़ा है, वहाँ जंगल में बाघ का पंजा। कितना बड़ा था? बड़ा ही था। हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त होंगे। तो दगड़ियो, मौसम काफी सही है और आजकल तो ना खेतों में ज्यादा काम नहीं है ना भाभी। तब हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ, जस्ट अभी हम लोग पहुंचे पैराड़ पे। रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है ना, एकदम खड़ी चट्टानों से रास्ता है और देखिए खड़े चट्टानों से आ रहे हैं। तो नदी में ही थोड़ा बहुत रास्ता बनाया हम लोगों ने पत्थरों के द्वारा और यहीं से हम लोगों को लकड़ी लेके पतीला लेके जाना पड़ता है। पता लो ना भाभी, ये देखिए पतीला सार रही है। कितना हो गया? इस जंगल का नाम है बूदम। तो यहाँ पर आज ना बहुत सारे लोग पतीला सार रहे हैं, एक दो दिन से यहाँ पर पतीला सार रहे हैं लोग पशुओं के लिए। तो हमारे पास तो जानवर है नहीं ना, तब जाके मैं सिर्फ सूखी लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। इतना सारा पतीला सार दिया भाभी ने पशुओं के लिए। पूरा नीचे अगर गए ना सीधा तट्टान है, पता है डर लग रही है यहाँ पर लकड़ी काटने में। क्या करें, लेकिन काटना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ करके। तो ऊपर में ना सूखी लकड़ियाँ देखो रही हो, इस चट्टान में चलते हैं। सुना दोस्तों, रास्ता काफ़ी खतरनाक है यार, क्योंकि ना चट्टान भी है और साथ पतीला भी है ना, पतीला सूखी वाली है तो फिसलन बहुत हो रही है और फिर इतने खतरनाक जगह में फिर लकड़ी में। चलो यार, ये तो टूट गई है बड़ी मुश्किल से, एक और नहीं थी। चलो मेहनत रंग लेके आए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो काट दी है, अब इस लकड़ी को काट के उसके बाद थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और इकट्ठा करते हैं यार ना। चलो यार, इस बार तो टूट गया, पिछली बार तो छोटी सी लकड़ी भी नहीं टूट रही थी। तो यार दगड़ियों, थोड़ा बहुत लकड़ियां बन चुकी है, अब इनकी भारी लगा के फिर चलते हैं यार घर की तरफ। पीछे लग गया, आगे से लगा था मेरी। तो भाई साहब, ये देखो बाघ के पंजे जस्ट अभी गया है ऊपर साइड, ही लग रहा है मुझे। थोड़ा बहुत भारी बनाते हैं, ठीक है। तो इनको भी ना बहुत समझ के जो है भारी बनाने पड़ती है, वरना खराब हो जाता है। आखिरकार सूखी लकड़ियां रख दी है और भारी बन के रेडी हो गई है, अब इसको कसना पड़ेगा यार ना। ये है दगड़ियों बुरांस का पौधा, छोटा सा है, बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो चलते हैं अब हम लोग घर की तरफ ना। जब भारी बन के रेडी हो जाती है फिर इन झाड़ियों के बीच से ना जब इन्हें ले जाना पड़ता है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है यार। आप खुद देख सकते हैं, इसी में पूरा भारी खराब भी हो जाता है। पतीला पहुँचा के आगे वापस। हाँ। कौन सा भारी है? अब कौन कितनी घात आएगा? बाबरे, तीसरा घात। पीले कलर का और काला धारी वाला है बाघ।
तो आफत तो बहुत ज्यादा है यार। पहले ट्राइपॉड यहाँ पर रखना पड़ रहा है, उसके बाद ओ उधर जाना पड़ रहा है लकड़ी के भारी में, फिर और इधर आना पड़ रहा है। तो जस्ट अभी मैं पहुंच गया हूँ घटेदार पे, बोदम पर गया था मैं लकड़ी काटने के लिए, तो लकड़ियाँ तो मैंने काट दी हैं। और अभी ना बहुत सारे लोग पतेला जा रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशान है ना, देखो आगा। ये है हमारी जेज अम्मा, पता है आज मैंने लकड़ी काट दी, मैंने वहाँ ये इधर जंगल में ना बाघ का पंजा देगा पूरा। बाबरे कहाँ देखा यार, इधर पीछे बोदम है जहाँ, वहाँ तो बहुत बाघ होता है, वहाँ तो बहुत जंगल है। हाँ वो बकरी को भी मारता है ना, जंगल है। हाँ बकरी को मारता है, भैंस को भी मारता है। मुझे डर लग गया, मैं फटाफट आ गया घर को। हाँ गाय को भी मारता है। अच्छा कभी कभी अब मनुष्य को भी मारेगा। पहले आपकी बारी होगी। हाँ मेरा बारी तो पहले होने चाहिए। हाँ जाओ फिर जंगल में, वही है बाघ। तो अब थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं यार, और लकड़ी की भारी भी आ चुकी है। आज मैंने पता है बाघ का पंजा देखा रहेगी, तू वहाँ होता तो तू बाघ को मार देता पता है। ये कितना प्यारा लग रहा है, इतना सीधा लग रहा है ना, पर ये सीधा है नहीं। अरे बाघ अब वो बकरी वाले वहाँ गए है ना, वो दम में तो बाघ भी जहाँ जहाँ बकरियाँ जाएगी वहाँ वहाँ बाघ जाएगी। और यहाँ घोड़ा भी मार रखा सेल्समैन का, और गाय भी मार रखे हैं बाबरे दो चार दिन। मोहन राम का घोड़े को नहीं दाड़ रखा था। हाँ पूरा बता रहे थे। हाँ मैं तो जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने गया था, क्योंकि मौसम अच्छा है और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना भी जरूरी है ना। हम लोग सूखी लकड़ियों में खाना बनाते हैं गाँव घरों में तब जाके। और आज तो बाघ के पंजा देखे मतलब हालत डाउन हो गई थी मेरी यार कसम से। और मतलब ऐसा लग रहा था ना उस समय कि फटाफट घर जाऊं कैसे भी जाऊं, लेकिन बहुत सारे लोग थे ना तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगा। तो दगड़ियों चलो आज का काम अच्छी तरह हो चुका है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय बाय।